मेरे परिवार वाले कुछ लोग हैं जो इसी फील्ड में काम करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के कोशिश ये की कि उनसे ऐसा कोई सहारा ना मांगूं, अपने आप ये ढूंढूं, अपने आप में ये मेरा खोज है, ये मेरी ज़िंदगी है। तो जी परिवार वालों को दिखाया मैंने, अभी हाल ही में एक मैंने स्क्रीनिंग रखा उनके लिए, कौन कौन आया सब लोग आए थे, खुशकिस्मती है कि सब लोग मौजूद थे, एक दो को छोड़ पूरा के। कपूर कपूर खानदान? खानदान, मम्मी की तरफ से भी मेरे नाना जी आए थे, रमेश सिप्पी जी, उनके भी में से मेरे मामू जी आए थे, रोहन सिप्पी, ये सारे लोग, सब लोग साथ आए थे देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत गर्व हुआ उस बात का कि मैं मेरी फैमिली के साथ मेरा काम शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ एक प्रोफेशनल के तौर पे। ये कहानी फराज़ की है, ये कहानी हंसल मेहता ने बताने की कोशिश की है। ये जहान कपूर का डेब्यू या आदित्य रावल का बढ़िया परफॉर्मेंस, धमाकेदार परफॉर्मेंस का ज़रिया नहीं है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हम सर नीचे करके, सर झुका के, हमें बस अपनी तरफ से पूरी जान डालनी थी। और हमें लगता है कि कहानी का असर अगर पड़ रहा है लोगों पे, अगर जहाँ तक अब तक हुआ है, तो ये हमारा जीत है। मेरे तरफ से मेरा ये मानना है कि चाहे जो भी परिवार से मैं हूँ, मुझे लगता है मेहनत मेहनत होती है, और मुझे पता है कि एक दो अपॉर्चुनिटी के बाद पानी का पानी सबको पता चलता है। मेरा इरादा ये है कि मैं यहीं रहूं, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।